सारे लोग वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। तो घर से ब्लॉग की शुरुआत वापस से हो रही है घर से, एंड जस्ट देख सकते हो अभी उठा हूँ और आवाज़ भी पता नहीं भारी भारी हो गई है। देखो खांसी वांसी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया अचानक से, मतलब परसों से खांसी जैसा हो रहा है। तो मैंने अभी दवा ववा खाई है, तो अभी थोड़ा बस सुबह से मैं पता नहीं आज सोया ना, तो 9 बजे सोया तो करीब अभी डायरेक्ट ही जस्ट 5 मिनट पहले उठाऊँ तो बस जॉब के लिए तैयार हुआ हूँ। देख सकते हो मम्मी ने बनाई है आलू की सब्ज़ी, रोटी और चटनी। तो बस अभी मैं खाना वाना खाता हूँ, और कल तो कल नहीं मतलब कुछ 2-3 दिन पहले एक सीन हुआ था। रुको मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं खाना वाना खा लूँ और दवाई खाऊँ, फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। सब रेडी हो चुके, बैठ चुके थे, एंड देख सकते हैं बैग वैग सब रेडी करके मैंने रख दिया है। बस सुबह का कॉल आता तो हम भी निकलते, और मैं आपको बता रहा था इंपॉर्टेंट बात बोल रहा था मैं कि एक सीन वहाँ भी एक मीम पेज इंस्टाग्राम पे, उस पर देखा नॉटी वर्ल्ड करके, आप सभी जानते होंगे बहुत फेमस मीम पेज है। तो वहाँ पर अपने देखा कि एक लड़की थी कोरियन के, जैपनीज थी यार ध्यान से याद नहीं है, तो बस वो आई थी अपने इंडिया घूमने, राजस्थान जोधपुर की बात है, वो कहीं आई होगी घूमने। तो वहाँ पे एक लड़का उसका पीछा कर रहा था, और मतलब वो ब्लॉगर थी बेचारी, तो वो ब्लॉग बना रही होगी अपना, वो दिखा रही होगी इंडिया के बारे में कि इंडिया कैसा है। तो उसने एक ब्लॉगर है तो वो तो अब दिखाएगी जो सब उसको दिखाना है, तो बट वो कर ब्लॉगिंग कर रही थी, तो उसमें एक लड़का था उसके पीछे घूम रहा था। पहले तो उसने उसको टच किया लड़की को, फिर उसने कुछ बोला तो फिर वो उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया, मतलब समझ सकते हो उसने एकदम अलग ही लेवल की हरकत कर दी। तो उसने ऐसी हरकत की तो वो लड़की डर के मारे वहाँ से चिल्ला कर भागी हेल्प हेल्प करके। तो आप ये वीडियो देखें। शर्म करो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। बस ऐसे सीन है यार, ऐसे लोगों के पीछे अपने जो इंडिया है उसकी वैल्यू डाउन होती है पूरे अपने देश की। अब वो लड़की या कभी अपने देश में जाएगी या मतलब वो तो चली गई होगी अब तक, तो उसने वहाँ पे जाके क्या बोला होगा कि भारत में ऐसे ऐसे लोग उल्टा सीधा काम करते, मतलब किस चीज़ के लिए पागल, उसने क्या बोला होगा जाके वहाँ उसके देश में। तो हमारे देश की बदनामी हुई गई ना, वो भले 10 जन को बोले कि 10 जन के बीच में तो हमारे देश की बदनामी हुई। तो यार ऐसे आजकल के नौजवान ऐसे होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सुधरो, मतलब देश की थोड़ी इज्जत करो। ऐसा क्या उल्टा सीधा, वो मेहमान है हमारे, तो मेहमानों की इज्जत करो कम से कम। ऐसा तो मतलब उल्टी सीधी चीज़ें देख देख के लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है। तो एनीवेज अब ऐसे लोगों को सुधार तो सकते नहीं है, अब तो योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तभी इन लोग का नंबर लगेगा। देख जिस दिन मतलब योगी जी प्रधानमंत्री बने ना, मैं गारंटेड कहता हूँ 50% तो क्राइम कंट्रोल हो ही जाने वाले, क्योंकि अभी उनने 2 मुसलमान भाई को ही मरवा दिया। मतलब मुसलमानों के लिए कोई हेट नहीं अपने को, बट वो जो करते थे माफिया के लिए उन्हें उन्होंने टोटली ख़त्म ही कर दिया है उन दोनों को। वो भी प्लानिंग से ही, उनका प्लान ही होगा, वो कोई बीच में घुस के ऐसे नहीं मार देता। तो बट अभी कोई ना, देखते हैं अब क्या होता है, मोदी जी योगी जी क्या करते हैं ये सब के केस। बस रेप केस और ये उल्टे सीधे काम बंद होने चाहिए। तो कोई ना, अभी ये सब के पीछे अपने भी ज़्यादा कुछ अपने अपना ओपिनियन नहीं दे रहे थे और कुछ नहीं, बाकी तो जिसको जैसा लगे। अपने भी अभी चलते हैं जॉब के लिए और फिर मिलते हैं आपको सीधे रस्ते में। गाइस बस खाना खा के हम भी आ चुके थे अपनी जगह पे बैठे थे, एंड IPL मैच ही चल रहा है। सो ब्लॉग में बस ज़्यादा कुछ नहीं यार, जो सी कोरियन वाली लड़की पे ब्लॉग बन गया। तो बट सही बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। तो आप लोग का भी क्या डिसीजन है थोड़ा बताना कमेंट में। बस इतने ऐसे कुछ लोग होते हैं उनकी वजह से देश ख़राब हो जाता है, ऐसा नाम बिगड़ता है देश का और कुछ नहीं, बाकी देश को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं इधर पे, एंड आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी से एंड राइट से। ब्लॉग में बस ज़्यादा कुछ नहीं यार, जो सी कोरियन वाली लड़की पे ब्लॉग बन गया। तो बट सही बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। तो आप लोग का भी क्या डिसीजन है थोड़ा बताना कमेंट में। बस इतने ऐसे कुछ लोग होते हैं उनकी वजह से देश ख़राब हो जाता है, ऐसा नाम बिगड़ता है देश का और कुछ नहीं, बाकी देश को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। तो
बस इस ब्लॉग को करते हैं इधर पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी से एंड राइट से।